lay dead. Will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग है हमारा फिशिंग सीन का, काफ़ी अर्थात हो गया, हमने कोई वीडियो नहीं बनाई। हमारे चैनल पे सिर्फ दो ही चीज़ों की बात होती है, एक फिटनेस या तो फूड। तो आज हम फिशिंग विशिंग करते हैं। तो आज का क्या सीन है, आपको लगता है कि फिशिंग हो जाएगी? देखते हैं, अल्लाह मालिक है। और हम जा कर रहे हैं, तो बताएं। हम जा रहे हैं, हमने 4 साल का प्रोग्राम बना रहे थे मगर जाना हो नहीं पा रहा था। मगर हमने सोचा कि यार आज फाइनली छुट्टी का दिन है और चलते हैं। डोरे रखे रखे सूख गई, लेकिन भाई साहब को मैं बोल के थक गया, इसकी दोस्त की ले के यहाँ चले वहाँ चले। तो आज प्रोग्राम बना है फाइनली हब डैम का, तो हब डैम के सीन दिखाते हैं। और हम दो ही जा रहे हैं, बाकी और कोई मौजूद नहीं है, सबने टोपियाँ करा दी। गाइस हम 4K चौरंगी तक पहुँच चुके हैं और एरिया से निकलने का सीन ही यही था कि खुदामा ये बोल रहा था कि बस यार चलिए से एरिया से निकलो। अच्छा, इनका मोटिव यही था कि एरिया से निकल जाएंगे ना किसी तरीके से, तो वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर इनकी मैंने थोड़ी सी दिमाग की पड़ी, मैंने बोला ये बिल्कुल सही बोल रहा है। मगर बहुत इंप्रेस कर रहे थे क्योंकि इनको लग रही थी दोनों की भूख की मेरे पीछे पड़े हुए थे कि नाश्ता कर लो। मैंने कहा एक बार यहाँ से निकल जाए तो नाश्ता भी कर लेंगे। भाई पेट में दाना नहीं होता ना, सीधी सी बात है, सब चीज़ें बुरी लगती हैं। वो मछली भी बुरी लगी, वो समंदर का पानी भी बुरा लगेगा। खैर अब हम लोग पहुँच चुके हैं होटल पे, तो यहाँ पे हमारा नाश्ता वगैरह चल रहा है, अंडा ऑमलेट चने और सिंपल नाश्ता है। तो चाय वाय पियेंगे फिर यहाँ से निकलेंगे, बाकी का सफ़र तय करेंगे। हम पहुँच चुके हैं 4K, 4K के बाद आगे कितना सफ़र रहेगा हमारा? अभी हमारा भाई मैं गूगल पे चेक कर रहा था, अभी भी हमारा दीवार है 35 किलोमीटर रह गया और 50 मिनट का रास्ता है। तो देखते हैं, अभी तो थोड़ा सा लंबा सफ़र है, पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। 35 किलोमीटर रह गया अभी हमारा। और हम लोग, आप लोगों को बता रहा हूँ मैं कि हम लोग 70 पे जा रहे हैं, तो सोचें हम लोगों का थोड़ा सफ़र थोड़ा सा हो सकता है। 92 का मॉडल तो थोड़ा सा हो सकता है, इनके वालिद साहब की बाइक है ये, मैं बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ इस बाइक को। तो हमारा फिशिंग का प्लान भी बचपन से चलता हुआ आ रहा है, तो फाइनली सीन कंप्लीट होगा। बचपन से तो नहीं, खैर ये बहुत लंबी हो गई, 4 साल से हम लोग का प्लान बनने, जब से इसकी यूनी चल रही थी। यूनी ख़त्म हो गई, डिग्री मिल गई, सब कुछ हो गया, लेकिन वो फिशिंग का सीन नहीं हो पाया। लेकिन खैर आज हम दोनों ने बोला एग्जीक्यूट करना है लाजमी, तो बाकी के सीन्स मैं आपको वहाँ जाके दिखाता हूँ। You don't ever wanna set me free। हब डैम से मतलब 6 मिनट का रास्ता हम लोग का रह गया है और हम लोग बियाबान जगह पे रुके हैं 92 का मॉडल लेके। 92 के मॉडल को थोड़ा सा हमने रेस्ट दिया है, बस 6 मिनट के बाद अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग भी थोड़ा थक गए हैं। तो हम लोगों ने बोला बाइक को थोड़ा रेस्ट मिल जाए और कोल्ड ड्रिंक शोल्ड ड्रिंक पी। हम लोग रुके थे पेट्रोल, यहाँ पे एक आगे दुकान है, वहाँ से हम पेट्रोल वगैरह रिफिल करेंगे और बाकी की जर्नी हम स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह फिश भी आज पकड़ के जाएंगे, तो बाकी आगे की वीडियो में। So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? भाई फाइनली हब डैम हम पहुंच चुके हैं और हब डैम पहुंचने के बाद एक मछली आई है हाथ में, ये खुदैमा ने पकड़ी है। क्या रिव्यूज़ हैं आपके खुदैमा? अच्छा ये भी 5 किलो का रोहू था ये हमने जो पकड़ा है ना। और अभी फ़िशिंग की कोशिश चल रही है हब डैम, देखें आप पानी भरपूर है यहाँ पे और कोशिश जारी है यहाँ पे। फिर आपको लाइव व्यूज़ दिखाएंगे हम मछली पकड़ने के बाद के क्या है सीन है। भाई हमने तो बहुत कोशिश की फ़िशिंग करने की लेकिन फ़िश है ही नहीं हाथ में, तो खुदा भाई अपने रिव्यू देंगे। और बहुत गर्मी थी असल में, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस वजह से। और हुआ ये कि पहले एक्सपीरियंस में मैंने अपनी डोर डाली और डोर डालते एक फ़िश आ गई हाथ में, लेकिन बहुत शोर किया और यूँ खींची डोर तो वो निकल गई हाथ से। तो ये अब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं इस जगह को और यहाँ के बहुत खूबसूरत नज़ारे। हाँ आसिफ भाई अपना रिव्यू देंगे, इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। क्या बोलते हैं आसिफ भाई? वालेकुम सलाम, हमारी ऑडियंस को बताएं आप कि फ़िशिंग के बारे में फ़िश कैसे पकड़ें। फिश अभी शिकार तो बहुत लग रहा है, बाकी ये है कि अभी हम लोग सामान लेकर नहीं आए, तो इसलिए लिहाजा अभी यहाँ नज़ारा करेंगे हम लोग पहाड़ों का। बड़े खूबसूरत जगह है उस्ताद, समझे इस नेचर का मतलब है, इस बात का मतलब है कि अगर कुछ हाथ में नहीं आया तो दिल बर्दाश्त नहीं हो रहा है, नेचर को इन्जॉय करना और नेचर चेक करें। भाई अपनी ट्रैकिंग भी हो गई,
और बादलों की घड़घड़ की आवाज़ भी आ रही है, हो सकता है मे भी पॉसिबल कि बारिश हो सकती है। और ट्रैकिंग में आप देखें खुदामा साहब आ रहे हैं पीछे से। खुदामा साहब को मैं बोल रहा था कि भाई शूज़ वूज़ पहन लेना, ये हमारे आसिफ भाई मिले ना तो इन्होंने हमें एक्सप्लोर करवाई ये जगह, वरना तो हम तो यही समझ रहे थे कि यार इधर उधर ज़्यादा नहीं घूमना, बस फिशिंग विशिंग करेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन एक ही के नेक्स्ट मोमेंट हो गया कि आसिफ भाई ने बोला चलो तुम लोगों को पहाड़ों पे लेके चलते हैं, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। बाकी यार काफ़ी इंजॉयमेंट हो गई, मतलब एक ट्रैकिंग होती है ना पाकिस्तान टूर पर जैसे आप पहाड़ों पर ट्रैकिंग करते हैं उस तरह का सीन हो गया, तो ये काफ़ी मज़ा आ रहा है। चलो एडवेंचर हो गया संडे वाले दिन। लेडीज एंड जेंटलमैन मैं आप लोगों को एक व्यू दिखाना चाहूँगा, मतलब इतना बड़ा हब डैम आप देखें कि कितना छोटा लग रहा है इस वीडियो के अंदर। हम मतलब नई जगह एक्सप्लोर की है और ऊपर से ये व्यू कैसा आ रहा है। अफसोस की बात ये कि बैटरी बहुत कम बची है, अगर व्लॉग मुझे ख़त्म करना पड़े तो मैं नेचर पे ख़त्म करूँगा, उसकी वजह यही है बैटरी बिल्कुल इनफ हो चुकी है। तो आप देखें आप हम नेचर को एंजॉय कर रहे हैं और व्लॉग शायद हमारा यहीं पर ही एंड हो, तो अभी से मैं बोलता हूँ थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। इंशाल्लाह वीडियोस आती रहेंगी, थोड़ी मुश्किल हो रही है लेकिन आती रहेंगी, पता चल गया ना फिर इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह दोबारा आएंगे और प्रॉपर तरीके के साथ आएंगे।